हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्जुन कोचिंग क्लासेस। अर्जुन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, एक बहुत ही शानदार नज़ारा है यहाँ पर रेलवे ट्रैक का, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर एक चीन का पेड़, दोस्तों अभी कुछ कैंडिडेट्स लोगों का कमेंट आया था कि सर क्या पोस्ट प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं। तो अगर ऐसा होता दोस्तों, तो सबसे पहले तो मैं किया होता और ट्रैकमैन का पोस्ट को पॉइंट्स मैन या कुछ और पोस्ट रहता वो कर देता। हमारे समय में दोस्तों क्या हुआ था कि पॉइंट्स मैन इसलिए हम लोग नहीं अप्लाई किए क्योंकि हम लोग के में क्या लिखा था, पॉइंट्स मैन ना लिखा करके हम लोग के में ये लिखा था कि पोर्टर ऑब्लिक स्वीपर ऑब्लिक हमाल। तो हम लोग को लगता था साला ये पटरी का कुछ साफ वाफ करना पड़ेगा क्या करके, इस वजह से हम लोग पोर्टर को ना अप्लाई करके ट्रैकमैन की पोस्ट, क्योंकि ट्रैकमैन की वैकेंसीज उस समय 950 पोस्ट की थी, तो हमने इसी वजह से पोर्टर को अप्लाई ना करके TM4 को पहला प्रेफरेंस दिया था। हालांकि मार्क्स भी इसी हिसाब से ही आया था, 74 नंबर आया था नॉर्मलाइज होके, 64 रॉ मार्क्स था। तो देखा जाएगा तो कोई ज़्यादा नंबर नहीं थे कि 74 में आपको पॉइंट्स मैन मिल जाए, बट प्रेफरेंस, देखिए पोस्ट का मिलना ज़रूरी नहीं कि आपको प्रेफरेंस के हिसाब से आपका पोस्ट मिल जाए। पोस्ट आपको किसी भी तरीके से मिल सकता है, या तो आप प्रेफरेंस डाले होंगे पहला चीज़ याद, और दूसरा चीज़ आपका नंबर अच्छा आया होगा तो मिलेगा दोस्तों आप लोगों को पॉइंट्स मैन का। प्रेफरेंस बहुत ज़रूरी है। हालांकि यही चीज़ कई बार क्या होता है, अच्छा नंबर वाले लोग, जैसे कई लोग 80 नंबर के क्रॉस भी लाएंगे, है ना, और पिछले समय भी बता रहा हूँ कई लोग 80 नंबर से ज़्यादा लाए थे, उनको भी दोस्तों ट्रैकमैन का ही पोस्ट मिला था क्योंकि उन्होंने प्रेफरेंस में ट्रैकमैन डाल दिया था। तो प्रेफरेंस का कोई वो नहीं दोस्तों, है ना। शानदार नज़ारा भी देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। प्रेफरेंस का कोई माई बाप नहीं है कि RRC के जो बैठते हैं CPO लोग जो डिसाइड करते हैं कि किसको क्या मिलना चाहिए प्रेफरेंस, कोई माई बाप नहीं है आप लोगों के। अब मैं डेली एक ब्लॉग लेकर आऊँगा और जो जो आप लोग को क्वेरीज रहता आप लोग पूछेगा, मैं कोशिश करूँगा यहीं से आप लोग को बताऊँ। कल के डेट में सैलरी आ गई दोस्तों, उस पर मैं एक वीडियो बनाऊँगा आप लोगों का मोटिवेशन के लिए कि अब इस महीना मेरा 35,000 रुपीज़ सैलरी इन हैंड आया है, तो अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है दोस्तों सैलरी। पहले आता था कैश, पहले बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, 8-10 साल पहले कैश आता था, ठीक है, जब ये ऑनलाइन सिस्टम उतना डेवलप नहीं हुआ था तब की बात बता रहा हूँ। तो उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगा कि क्या क्या अलाउंस मिलता है, नाइट ड्यूटी अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, बहुत सारा चीज़ है दोस्तों, ठीक है। और जैसे आप लोग का फिजिकल हो चुका है और मैं 11 जून का लगभग एक्सपेक्टेड कट ऑफ बना चुका हूँ, और सिकंदराबाद जोन का तो बनाया ही था, लगभग 60 बताया था OBC जनरल का, उतना ही गया है। OBC का 56 बताया था तो 56 प्लस बताया था तो 58 गया है। SC ST का तो लगभग उतना ही गया है जितना बताया था। EWS का थोड़ा गलती हुआ क्योंकि EWS का मैं अच्छा से प्रेडिक्शन नहीं किया था, कैलकुलेशन नहीं किया था कितना वैकेंसीज है, और उस हिसाब से 10 से 11 नंबर बढ़े EWS में। कल एक कोलकाता जोन का बनाया हूँ SER का, देख लीजिएगा वो वीडियो को। तो ये आज का ब्लॉग कैसे लगा कमेंट कीजिएगा, और कुछ भी सवाल होता है तो अब मैं इसी माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा, हो सकता है तो आज से नाइट ड्यूटी भी लगा दे। अभी फ़िलहाल मैं चाबीदारी में हूँ और वंदे भारत ट्रेन भी आने वाली है तो उसको भी बताऊंगा दोस्तों।